रुकिए 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 श्रीमंत श्रीमंत। अब शौक समाप्त हुआ बाला जनार्दन, अब हम घुड़सवारी कर सकते हैं। अभी नहीं श्रीमंत। क्यों क्यों नहीं? हम कब तक इस महल में कैद रहेंगे? उकता गए हम उन पंडितों से और पाखंडियों से जो कि शोक ऐसे मनाते हैं जैसे उनके अपने बाप मरे हों। हम जानते हैं वो मन ही मन में खुश हैं कि श्रीमंत नहीं रहे और अब वो हमें अपनी उंगलियों पे नचा सकेंगे। दुनिया की रीत है श्रीमंत, अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग चाहे झूठे ही हों शोक मनाने आते हैं। हमें नहीं चाहिए वो सब कुछ, हम वो चेहरे नहीं देखना चाहते जो झूठे हैं। हमारा घोड़ा निकलवाइए, हम खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। श्रीमंत सरकार की जय हो, महारानी बाई सरकार पधार रही हैं। आप यहाँ क्यों हैं? आपको अंदर महल में होना चाहिए। हम थक गए हैं साहब, हम अब श्रीमंत ने जिन मर्यादाओं का पालन किया है आपको भी वही करना चाहिए। हम नहीं कर सकेंगे आई साहब, हम अब घुड़सवारी करने जा रहे हैं। श्रीमंत श्रीमंत रुकिए, ये बाई सरकार का आदेश है। जानते हो घोड़े पर देखकर पुणे वाले और दरबार वाले क्या कहेंगे? पिता को गुजरे 15 दिन नहीं हुए और बेटा सैर कर रहा है और आपको आपको कुछ हो गया तो हमारा कौन है माधव? हम किसका मुंह देखेंगे रे? विश्वासराव को भगवान ने उठा लिया, श्रीमंत को भी। सरकार, उन बातों को याद मत कीजिए, आप पधारें, श्रीमंत माधवराव कहीं नहीं जाएंगे, मैं जो हूं। सही कह रही बाई सरकार, कौन सा पहाड़ अशोक का जो उन पर नहीं टूटा? फिर आप पेशवा हैं, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। जानते हैं क्या हो रहा है वहां? पंडितों का युद्ध चल रहा है, शास्त्रार्थ हो रहे हैं कि आप कब गद्दी पर बैठे हैं, यानी गद्दी कब तक खाली रह सकती है नक्षत्रों की आड़ लेकर कि जिससे उनका राज चलता रहे। मत दीजिए उन्हें अवसर कि वो अपने इरादों में कामयाब हो जाएं। ये पंडित हमें गद्दी पर बैठने से रोक सकते हैं? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। मैं ब्राह्मण हूं, जानता हूं हम ब्राह्मण पंडित जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाता है। हमें आगे खड़ा करके वो किया जा सकता है जो किसी भी तरह नहीं किया जा सकता। फिर बनारस से पंडित क्यों बुलाए? हमें बताया गया है। सही बताया है, मैं नहीं चाहता कि आपको गद्दी पर बैठने से रोकने के लिए जब ज्योतिष की चौपड़ पर कौड़ियां फेंकी जाएं तो उन्हें रोकने के लिए कोई ना हो, नहीं चाहता मैं। पंडितों से ताजपोशी की शुभ घड़ी 6 महीने बाद की निकलवाई जा सकती है, शंका पैदा की जा सकती है कि आपका गद्दी पर बैठना शुभ नहीं है। आपको तो हमारा फडणवीस होना चाहिए, हम गद्दी पर बैठेंगे और आप हमारे फडणवीस होंगे। ना ना, आप फडणवीस